Hello friends, I'm Nishant Kumar here to discuss about the basic science and engineering सब्जेक्ट टॉपिक है आपको हीट एंड टेम्परेचर में डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपको ऑल ट्रेड के लिए जी ऑल ट्रेड के लिए, तो प्लीज़ सभी ट्रेड वाले इस बटन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तक अब अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब मैं वीडियो प्रीमियम करता हूँ तब आप उसको क्या करिए, सेट रिमाइंडर ऑन करें जी, ज्वाइन करें इस ग्रुप को, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप नोटिफिकेशन देखिए नए चैनल को नोटिफिकेशन चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ता है जी। इसीलिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे नोटिफिकेशन के टर्म में जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला मेरा टॉपिक क्या है, हीट एंड टेम्परेचर है। हीट एंड टेम्परेचर की बात की जाए तो ये आपको थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा जी। पहला तो आसान क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है हीट एंड टेम्परेचर में, मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो प्लीज चलिए आगे ज्यादा देर न करते हुए हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और इस पर कुछ थोड़ा सा कुछ पार्ट करेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, जिसमें टेम्परेचर आपको कन्वर्जन भी आता है। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ जो है बच्चे कमेंट कर रहे थे आपको मेजरमेंट के समय कि आपने सर वो टेम्परेचर कन्वर्जन आपने नहीं पढ़ाया, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने कमेंट तो सही किया था लेकिन देखिए मेरे अनुसार ये टॉपिक जो है किसमें है जी, हीट एंड टेम्परेचर में। किसी और टीचर के अनुसार कहाँ है जी, तो मेजरमेंट में, तो उन्होंने मेजरमेंट में कराया, मुझे हीट एंड टेम्परेचर में अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ करा रहा हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि किस किस फैकल्टी को कहां लेना है जी, ठीक है ना। लेकिन मैंने सिलेबस कवर जरूर कराया है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि उष्मा क्या होती है जी, देखिए हीट एंड टेम्परेचर में हीट पहले पढ़ेंगे उसके बाद टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो बोल रहा है हीट जो है, हीट मैंने इसका होता है उष्मा, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है जी। क्या होता है जी, अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है जी, कैलोरी होता है। बात की जाए तो हम लोग हीट थर्मोडायनेमिक्स में याद रखिएगा, मैं लोग जूल की बजाय कैलोरी ज्यादा यूज करते हैं जी। जूल की बजाय कैलोरी में हम लोग एनर्जी क्या करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए जूल और कैलोरी में कन्वर्जन आपको जरूर याद होनी चाहिए जी। जूल और एनर्जी में कन्वर्जन क्या होनी चाहिए, जरूर याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा का प्रवाह तापमान के अंतर कारण होता है। अब बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी में जी करंट क्यों फ्लो हो रहा था, तो इलेक्ट्रिसिटी में करंट इसलिए फ्लो हो रहा था क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था जी, उसको फोर्स देने के लिए क्या था जी, वोल्टेज था। क्या था जी, उसको फोर्स देने के लिए क्या था जी, वोल्टेज था। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे फोर्स करने के लिए क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। टेम्परेचर का क्या है जी, अंतर है। उष्मा के बढ़ने से तापमान बढ़ता है, उष्मा के बढ़ने से क्या होता है, तापमान बढ़ता है। उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी, जूल होता है, जबकि तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी, जूल होता है, जबकि तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। दो वस्तुओं में उष्मा के परिणाम समान होने पर भी उनके ताप भिन्न हो सकते हैं। बोला है दो वस्तुओं के उष्मा के परिणाम समान होने पर भी उनके तापमान क्या हो सकते हैं जी, भिन्न हो सकते हैं। दो वस्तुओं का तापमान समान रहने पर भी उष्माओं का परिणाम भिन्न हो सकता है। यानी डायरेक्ट टेम्परेचर से रिलेशन नहीं है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं टेम्परेचर का अंतर रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, हीट क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह क्या होगी, ट्रांसफर तो जरूर होगा। इतना बात हम लोग जरूर कंफर्म बोल सकते हैं जी। तो दो वस्तुओं के ताप, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्या जी, एक क्या है जी, इसमें क्या है जी, एक वाटर दिया गया है। इसमें क्या है, वाटर। इसमें जो पाइप लगाया है जी वो क्या किया गया है, इसमें जो है इसका, इस वाटर के पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, हाइट ज्यादा है, तो पोटेंशियल क्या होता है, एमजीएच होता है। तो इसका क्या है जी, इसका वाटर का पोटेंशियल क्या है जी, हाइट ज्यादा है, तो एमजीएच क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसमें बात की जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एमजीएच यानी ये हाइट कम है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो कोई भी चाहता है कि वो क्या करे, लो से लो पोटेंशियल एनर्जी, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये वाटर क्या करता है कि नीचे आता है, जिससे इसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जी। इसीलिए क्या होगा, ये पूरा वाटर इसमें फ्लो करेगा। ये फ्लो क्यों कर रहा है जी, तो क्यों, इसके लिए एक है, कौन 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 सा मोटिव फोर्स है जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, इसको जनरेट कर रहा है। वैसे ये क्या है जी, जो हीट है वो क्या रहा है, हीट जो हीट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या कर रहा है जी, उसको फ्लो कर रहा है। अब चलिए बात करेंगे कुछ हम लोग टॉपिक पे। देखिए इसमें है जी तापमान को, तापमान मापने के स्केल है जी। अब बात की जाए तापमान मापने के कौन कौन से स्केल है जी, तो तापमान मापने के लिए हमने चार पांच स्केल देखे हैं जी, जिसमें से हमको जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। मैं बता देता हूं अभी, तो नाम के लिए दिए, सेल्सियस होता है, फॉरेनहाइट होता है, रिमर होता है, केल्विन होता है, रैंकिन होता है, ठीक है। तो हमारे पास इतने हैं, लेकिन हम लोगों को कौन कौन से पे ध्यान देना है जी, मैं बता देना चाहूंगा कि हम लोग को सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तीनों पे ज्यादा फोकस भी करना है। ऐसे रूमर का भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लेकिन हम लोगों को उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताऊंगा रूमर से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा रूमर से। तो देखिए अब बात की जाए तो स्केल में अगर बात की जाए कि भाई वाटर का न्यूनतम बिंदु उच्चतम बिंदु क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए हमको क्या करना है जी, अगर पानी को क्या करना है जी,
पानी को क्या करना है जी, बर्फ बनाना है। तो कितना डिग्री टेम्परेचर से बर्फ बने करता है जी, तो 0 डिग्री, यानी ये मेल्टिंग पॉइंट है जी। अगर उसको भाप में कन्वर्ट करना होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया जाएगा। तो ये कह सकते हैं क्वथनांक है, क्या है जी, सॉरी ये क्वथनांक है, क्या है जी, गलनांक है। तो यहां से हमको पता चल रहा है। अब देखिए अगर बात की जब फॉरेनहाइट में क्या होता है, 0 डिग्री का मतलब 32 फॉरेनहाइट होता है जी, और बात की जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या होता है, 212 फॉरेनहाइट। ऐसे ही यहाँ पे 0 रोमर होता है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 रोमर होता है, और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या होता है, रोमर में 80 रोमर होता है जी। केल्विन में बात की जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन, और 100 डिग्री का मतलब होता है 373 केल्विन। 1.1 भी होता है, 1.16 भी होता है, मैं उसको लिखा नहीं हूं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आता है कि वाटर का त्रियक पॉइंट बताए, यानी ट्राई पॉइंट बताए जी, जिस पे क्या हो जाए, वो वाटर भी रहे, वेपर भी रहे, और क्या रहे जी, पानी भी रहे। तो क्या होता है, वो 0 केल्विन नहीं होता है एग्जैक्ट, मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग 0.0016 होता है जी, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा जी, इसको क्या है जी, मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा है, केल्विन में लिखना है, क्या है 273.16, सॉरी गलत लिखा मैंने यहाँ पे, डिग्री सेंटीग्रेड 273.16 इतना केल्विन होता है, 0.0016 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे देखिए, मुझे क्वेश्चन के बारे में पता है, मैंने अगर आपको, आपने मेरा वीडियो देखा है इलेक्ट्रिसिटी में, तो आप देख सकते होंगे कि मैंने बुक से पढ़ा है, उपकार पब्लिकेशन जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है मैंने उसी से पढ़ा है, तो मुझे आइडिया है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मेरी कुछ हालात ऐसी है कि मैं आपको अच्छे फैसिलिटी नहीं दे सकता हूँ, मैं इसके लिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लेक्चर होते हैं, मैं वहां से आता हूँ जी, तो उसके बाद सो जाता हूँ, उसके बाद रूम पे आके मैं, मुझे ना बोर्ड की फैसिलिटी है ना इसी, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है ऐसे। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फेवर करें, और मैं चाहूंगा कि आप लोग की सहायता भी मिले, जिससे हम क्या सकें, फेमस हो चुके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है कि देखिए, यही एक मेन पॉइंट है, कन्वर्जन बोला है कि ताप के विभिन्न पैमानों के बीच संबंध। देखिए हमको क्या करना होगा जी, हमको डिग्री सेंटीग्रेड देगा, फॉरेनहाइट में पूछ लेगा, फॉरेनहाइट में देगा और केल्विन में पूछ लेगा, केल्विन में देगा डिग्री सेंटीग्रेड पूछ लेगा, रोमर में पूछ लेगा। तो हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद कर रखना है जी। कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे जी, तो देखिए हमने जो पॉइंट याद किया ना, 0 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32, तो हम लोग अगर इस पॉइंट को हम लोगों ने याद किया है, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को अगर हमने याद किया है तो हमको ज्यादा फॉर्मूला याद करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। देखिए मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ जी, देखिए जो भी होगा इंडिकेशन लिखिएगा, जैसे सेंटीग्रेड है तो सी लिख दिए, माइनस मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है जी, 0 डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया जी, सी लिखा, सेंटीग्रेड था तो सी लिखा, यहाँ पे देखिए सी लिख दिया, उसके बाद क्या है जी, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, तो 0 डिग्री, क्या होता है जी, पानी कब बनता है तो 0 डिग्री पे बनता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या जी, बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल कब होता है तो 100 डिग्री पे, 100 डिग्री माइनस मेल्टिंग पॉइंट कब चाहिए, 0 डिग्री, हो गया। अब ये बराबर किसका होगा, अब फॉरेनहाइट में जा देते हैं, तो फॉरेनहाइट में एफ लिखते हैं, माइनस 0 कब होता है जी, मेल्टिंग कब होता है, मेल्ट कब होता है तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट पे होता है, तो माइनस 32। उसके बाद बॉइलिंग, बॉइलिंग कितना है जी इसका, 212 माइनस क्या है जी, मेल्टिंग, तो माइनस मेल्टिंग। इसको याद रखिएगा और इसको अप्लाई कर दीजिएगा, इसका मतलब हुआ कि हमको ये पॉइंट याद रखना है और सारा हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा जी। अब देखिए रोमर में क्या है जी, आर माइनस 0/80 - 0, कितना आसान है। देखिए सी लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट का अंतर लिखना है। ऐसे ही आर में आइए, सॉरी रैंकिंग में आइए, रैंकिंग में क्या है जी, 672, देखिए आर आर माइनस क्या जी, मेल्टिंग में, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 492 रैंकिंग है, बट्टा 672 क्या है जी, बॉइलिंग पॉइंट है, माइनस मेल्टिंग पॉइंट क्या है 492, ठीक है ना, ये क्या है मेरा रैंकिंग है। बात कीजिए केल्विन में, तो के माइनस 273 क्या है जी, तो मेल्टिंग पॉइंट है, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी, 373, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 273 हमने लिख रखा। तो हमारा ये सारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अगर ये आपको फॉर्मूला आता है तो। अब इसको क्या करता है, कुछ कुछ बुक क्या करता है, इसको सॉल्व कर देता है, काट कूट देता है और याद करता है। हम कहते हैं उसको काटिए ही मत, काटिए मत, सिंप्लीफाई मत कीजिए, और इसी फॉर्मेट को याद रखिए, आपको जो चीज पूछा जाएगा आप उसका निकाल दीजिएगा जी, ठीक है ना। आप जो चीज पूछा जाएगा आप क्या कीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा जी, उसी समय सॉल्व कर लीजिएगा। तो
ये बहुत आसान तरीका है और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही याद करें जी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेंगे जी, कुछ क्वेश्चन लेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए अभी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि जो क्वेश्चन बहुत आसान ले रहा है, ये सी ले रहा है, बहुत छोटा ले रहा है। चलिए बोला है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है जी, केल्विन में बदलना है। अब देखिए सेंटीग्रेड से केल्विन, देखिए हमको बात कर रहा है सेंटीग्रेड और केल्विन, तो सेंटीग्रेड वाला यहाँ फॉर्मूला था और केल्विन वाला था यहाँ पे, इसी दोनों को हम क्या करेंगे उठा के बराबर कर लेंगे जी, इसको और इसको क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। हमने बराबर कर दिया यहाँ पे, देखो जी फॉर्मूला क्या हो गया, सी माइनस जीरो 100 माइनस 0 बराबर के माइनस 273 बटा 373 माइनस 273। अब देखिए कितना आसान है कि हमने डायरेक्ट फॉर्मूला उठाया और इसको रख दिया। देखिए ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सेंटीग्रेड हमारा क्या है जी, सी है, तो सी की जगह हम क्या करेंगे 60 रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, के ही तो बचा है इसमें, तो के का वैल्यू आ जाएगा कितना, सॉल्व कर लेंगे। अब मैं मानता हूं कि आपको जोड़ घटा गुना भाग आता है जी, तो केल्विन क्या हो जाएगा 373 केल्विन आ जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है जी। तो यहां से समझ सकते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूला को या इसी को क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं जी, इसी फॉर्मूला को सॉल्व कर देते हैं इसको और इसको ये बना लेते हैं लोग, ठीक है ना। तो हमको ये बनाने की जरूरत नहीं है, देखिए अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए कैसे आ रहा है जी, ये देखिए सी माइनस जीरो बट्टा 100 इस फॉर्मूला को बराबर क्या हो जाएगा के माइनस 273 बट्टा 373 माइनस 273 क्या हो जाएगा 100, तो 100 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा सी बराबर क्या हो जाएगा के माइनस 273, तो के बराबर क्या हो जाएगा सी प्लस 273। इसको याद कर लीजिए, कोई यह याद कर लेता है जी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इसको याद क्यों करें जी, एक बार हमने याद किया दूसरी बार क्यों याद करें, तो ये सब बात समझने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इतना कैपेबल हो कि आप डिसाइड कर सको जी कि क्या सही है क्या गलत है। अब तो आप बड़े हो चुके हो, एक सर्टिफिकेट मिल चुका हो जी, दो दो सर्टिफिकेट मिल चुके हैं आपको, तो कम से कम इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कौन क्या सही बता रहा है क्या गलत बता रहा है। एक क्वेश्चन बहुत फेमस आता है जी आपको कॉम्पिटिशन में कि कितने तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ फॉरेनहाइट बराबर होता है जी। अब देखिए डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ फॉरेनहाइट बराबर होता है, हमको डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ फॉरेनहाइट वाला फॉर्मूला चाहिए जी, तो सेंटीग्रेड वाला जीरो सी माइनस जीरो बट्टा 100 माइनस 0 बराबर क्या है एफ माइनस 32 बट्टा 212 माइनस 32। देखिए मेल्टिंग पॉइंट जीरो होता है, जीरो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 होता है सेंटीग्रेड में, फॉरेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 32, तो 32, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 212। फॉर्मूला हमारे पास आ गया, बोल रहा है कि सेंटीग्रेड ऑफ फॉरेनहाइट क्या है बराबर है, तो सी और एफ को बराबर करते हैं, तो दोनों को मान लेते हैं जी एक्स, दोनों क्या मान लेते हैं एक्स, दोनों को सी की जगह एफ की जगह एक्स कर दिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वैल्यू आ जाएगी -40। ये लड़के याद कर करके लूसेंट से रट रट के फुल है लो कि दोनों का वैल्यू क्या होता है जी, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट पे क्या होता है बराबर होता है। अरे बेवकूफ हो यार, तुमने अगर रट रखे तो बेवकूफ हो, अब तुम्हें इतने देखो हमने तो क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर मान लो किसी और में पूछ देते तो सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट तो रट रखे हो, अगर मैं रोमन और फॉरेनहाइट में पूछ दूं यही बात तो क्या करोगे तुम, तो क्या करोगे जी। तो चलिए अगला मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं और ये मैं चाहूंगा कि आप इसको जी बनाएं। बोला है कि किसी गोला का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसे एफ के और आर यानी रोमर में व्यक्त करिए। बोला किसी गोला का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड दिया 60 डिग्री, इसको एफ केल्विन और रोमर में व्यक्त करना है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, प्लीज आप इसको कमेंट कीजिएगा जी, मैं चाहूंगा कि इसको सभी कमेंट करें और जिससे क्या हो कि हमारे जो बच्चों में है इंटरेक्शन बढ़े। और मैं थोड़ा आपको समझा चुका हूँ यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन करें, हम लोग इसको कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और अगला टॉपिक पढ़ेंगे जी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ, थैंक यू। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थैंक यू सो मच। आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें, बेल आइकन को भी दबाएं, सेट रिमाइंडर को भी ऑन करें जी, ज्वाइन भी करें चैनल को, और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम, जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। बुक का आपको मैं हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक करा रहा हूँ, इससे पहले मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एनर्जी, न्यूटन्स लॉ मैंने करा रखा है आपको, इलेक्ट्रिकल के मैंने थर्मोडायनेमिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद मैंने यूनिट एंड डायमेंशन करा रखे हैं, मेजरमेंट करा रखे हैं, उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट्स करा रखे हैं जी। तो आप वो सब लेक्चर जाएं, उन लेक्चर को भी पहले देख ले। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने क्या करा रखे हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने क्या करा रखे हैं, तो लॉजिक गेट करा रखे हैं, नंबर सिस्टम करा रखे हैं जी, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने करा रखा है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो वो सब भी लेक्चर जाके देख लीजिए।
अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, बेल आइकन को भी दबा दें और सेट रिमाइंडर ऑन कर दें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा। जी कुछ लड़के ये भी कंप्लेन कर रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी सब कुछ ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे चैनल की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो ये आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन में। तो थर्मल एक्सपेंशन मेरा आज टॉपिक है जी। इससे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स से कुछ लेक्चर करा रखे हैं, आप उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। तो थर्मल एक्सपेंशन में बात कर रहा है, कोई वस्तु अधिकतम गर्म होने पर अपने आकार को क्या करती है, बढ़ा लेती है जी। क्या करती है, अपने आकार को क्या करती है, बढ़ा लेती है जी। बोल रहा है क्या करती है जी, अपने आकार को बढ़ा लेती है। आकार में परिवर्तन के प्रसार गुणांक दर्शाया जाता है। बोल रहा है कि आकार में परिवर्तन को प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। प्रसार गुणांक तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जी। तो रेखीय होता है, क्षैतिज होता है, और क्या होता है, आयतन प्रसार होता है। रेखीय का मतलब क्या होता है जी, कि उसमें केवल लंबाई में होगा। क्षैतिज का मतलब क्या होता है जी, क्षैतिज का मतलब क्या होता है जी, क्षेत्रफल में होगा। यानी क्षेत्रफल में मतलब क्या होता है, एरिया, लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या होगा जी, प्रसार होगा। और आयतन का मतलब क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में क्या हो जाएगी ही, प्रसार होगा। नोट में लिखा हुआ है, किसी वस्तु को गर्म करने पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं जी, तो आयतन बोलते हैं। अब बात करिए तो एफ क्या है जी, फाइनल के लिए यूज किया गया है। एफ जो सबस्क्रिप्ट हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, एफ यूज करेंगे। किसके लिए करेंगे, तो फाइनल के लिए एफ करेंगे जी। आई किसके लिए करेंगे, तो इनिशियल के लिए, आरंभिक के लिए। और डेल्टा क्या है जी, तो टेम्परेचर के डिफरेंस के लिए, यानी चेंज जो टेम्परेचर में हुआ है उसको हम क्या करेंगे, थीटा से डिनोट करेंगे। चलिए तो एल एफ बराबर क्या है जी, एल आई मल्टीप्लाई में क्या है जी, वन प्लस अल्फा थीटा। देखिए अब एल एफ क्या है जी, तो फाइनल जो मेरा चेंज हुआ लेंथ में, एल एफ है जी। जो मान लीजिए कोई टेम्परेचर पे क्या है जी, फाइनल टेम्परेचर पे क्या है जी, जो लेंथ है, एल एफ मैंने बता रखा है। एल आई मतलब जिस इनिशियल टेम्परेचर पे हमने मेजर किया था उसकी लंबाई क्या है जी, एल आई है। और अल्फा क्या है, एक कॉन्स्टेंट है जो आपको हमेशा दिया जाएगा। अल्फा क्या है जी, एक कॉन्स्टेंट है जो क्या है, हमेशा दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए अल्फा इसमें है जी, क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है। इसमें क्या है, बीटा है तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। इसमें क्या है जी, गामा है तो आयतन प्रसार गुणांक है। तो यहां से देख सकते हैं हमारे पास तीन क्या है जी, गुणांक है। और थीटा क्या है जी, तो तापमान में अंतर है। अब बात है कि तापमान में अंतर कौन सा है, तो जो इनिशियल लेंथ था फाइनल लेंथ था, तो इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ में गया, तो इनिशियल लेंथ जब था उस समय टेम्परेचर क्या था, और फाइनल लेंथ जब हुआ था उस समय टेम्परेचर क्या था, वही टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है जी, थीटा है। तो यहां से देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा जी, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा जी। थर्मल एक्सपेंशन किससे पढ़ा, तो किसी वस्तु में हमने थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, उसके लेंथ में, उसके डायमेंशन में जो चेंजिंग होते हैं, उसको लेंथ में चेंज होगा तो रेखीय प्रसार बोलेंगे, उसके एरिया में होगा, क्षेत्रफल में होगा तो क्या होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलेंगे, और आयतन में होगा तो क्या वॉल्यूम बोलेंगे जी। ठीक है, तो यहां देखिए हमारे तीनों डायमेंशन हो गए। अब बात करें अल्फा बीटा गामा का एसआई मात्रा क्या होगा जी। अब अल्फा बीटा गामा यहाँ देखिए, हमने आपको बताया है एसआई यूनिट में, जब मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया था जो आपको पीवी इक्वल टू क्या कराया था, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर ऐसा कुछ था, और पीवी इक्वल टू वी प्लस समथिंग ऐसा कुछ था, यहाँ पे एक्स कुछ था, एन आर टी था। तो हमने क्या किया था, इस वाले का क्या किया था जी, हमने निकाला था, क्या निकाला था, यूनिट निकाला था। तो वैसे ही सेम टू सेम लॉजिक अब इसमें भी लगाइए जी। देखिए यहाँ पे क्या है जी, हमें अल्फा थीटा है, तो अल्फा थीटा क्या होता है जी, थीटा क्या है, टेम्परेचर यूनिट होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका यूनिट क्या होगा जी, यहाँ पे क्या है, वन है, वन का क्या है, कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं, यहाँ पे क्या है जी, यूनिट है। तो चलिए इसका भी मतलब यूनिट नहीं होना चाहिए, तो अल्फा थीटा का भी यूनिट नहीं होना चाहिए जी। तो अल्फा का यूनिट क्या होगा, जो थीटा का इन्वर्स होगा, थीटा क्या है, टेम्परेचर है, तो ठीक आ जाए, इसका टेम्परेचर होता है तो ठीक आ जाए, टेम्परेचर इसका हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा जी अल्फा का। देखिए अल्फा थीटा क्या हो जाएगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा, तो क्या मानते हैं, वन मान लेते हैं जो कोई यूनिट नहीं होता, तो अल्फा क्या हो जाएगा, वन अपॉन थीटा हो जाएगा। तो थीटा का यूनिट क्या होता है, थीटा माने टेम्परेचर है, टेम्परेचर का अंतर क्या होता है, टेम्परेचर यूनिट होता है, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का इन्वर्स हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स में देखिए, जब भी टेम्परेचर लेंगे ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे जी, केल्विन में कन्वर्स करके ही लेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे जी, बर्फ को, आइस को मतलब क्या करें, जो वाटर में जब कन्वर्ट करेंगे जी, पानी में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग वहां पे टेम्परेचर जो भी डेटा याद करेंगे केल्विन के अकॉर्डिंग याद करेंगे जी, केल्विन के, इसलिए हमने केल्विन में अभी भी याद किया है जी। ठीक है, तो अब अल्फा बीटा और गामा का जो रेशियो होता है क्या होता है, 1:2:3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार है जी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अल्फा बीटा और गामा क्या है जी, अल्फा बीटा और गामा क्या है जी, यहाँ से उनका रेशियो है।
गर्मी के दिनों में पटरिया फैल कर टेढ़ी हो जाती है। बोला है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, पटरी फैल जाती है जी, लेकिन इससे बचने के लिए पटरियों के बीच में खाली जगह छोड़ा जाता है, जिससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई पटरी है जी, देखो यहाँ से पटरी आई है, इतनी चौड़ी है, इतनी पटरी ये चौड़ी है, अगर इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन होगा, तो लीनियर एक्सपेंशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ बढ़ेगा जी, तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, ये थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर ये बढ़ के मान लीजिए, अगर बढ़ के क्या होता है जी, यहाँ तक फिर से अभी भी रह जाता है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए ये बढ़ के क्या हो जाए, अब इतना ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ पे हो गया, अब और भी टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगी, ऐसे जो आएगी हमारी पटरी क्या हो जाएगी, अब पटरी क्या होगी, ऐसे बेंड होने लगेगी जी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो पटरी है देखिए जैसे है मान लीजिए, तो अब इसको और भी अगर दबाएंगे तो क्या होगा जी, और भी इसको दबाएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए और भी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा जी, तो ऐसे होने से क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ऐसे देख सकते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, हमारी वो पटरी टूट जाएगी, इसी को बचने के लिए जी। अब देखिए ये क्या है, किसके वजह से है, तो थर्मल एक्सपेंशन है क्या जी, उसमें प्रसार है, उसमें प्रसार की वजह से क्या हो रहा है, गर्मी के दिनों में पटरी फैल जाती है, इसके आज एक्सपेंशन है, तो वही बोला कि खाली जगह छोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट प्रसार गुणांक पर आधारित है, देखिए अब इलेक्ट्रिक आयरन में होता है, आपको भी पता है कि टेम्परेचर एक एक टेम्परेचर के बाद क्या होता है, वो सिस्टम क्या होता है, क्लोज हो जाता है, तो उसमें भी क्या ऐसा बनाया गया रहता है कि एक टेम्परेचर जब ज़्यादा फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, वो क्या हो जाएगा, अब देखिए उसको हमने मान लीजिए ऐसे बना रखा है जी, एक मान लीजिए एक कनेक्शन मेरा ये है, और एक जो मेरा वायर है, एक मेरा जो वायर है आपको ऐसे बना दिया गया है, ऐसे बना दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बनाया गया है, ये क्या मेरा फिक्स है, ये मेरा क्या है जी, फिक्स है, ये मेरा फिक्स है, ठीक है, और ये क्या है, ये जो मेरा वायर है वो हीट से क्या होगा जी, एक्सपेंशन होगा। चलिए तो अभी देखिए हीट अभी क्या है जी, कम है, अभी क्या है जी, हीट कम है, तो यहाँ पे है, अब क्या होगा, अगर हीट बढ़ना स्टार्ट होगा, हीट बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है ना जी, हीट बढ़ना स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन होने लगेगा, एक्सपेंशन होने लगा क्या होगा जी, इधर बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा, तो इधर अगर बढ़ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए इसको हम लोग ले लेते हैं ऐसे, इसको बढ़ना है, ठीक है जी, यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है, हम लोग इसको बनाते हैं ऐसे, ठीक है जी, ये मेरा है, चलो जी, ये मेरा फिक्स हो गया, देखिए जी मैं सोच के बना रहा हूँ, ये मैं ऐसा कोई नहीं है कि मैं सोच के बना रहा हूँ, देखिए ये क्या है जी, ये मान लीजिए इस पर हीट दिया जा रहा है, इस पर क्या किया जा रहा है, हॉट है जी, जो हॉट हो रहा है हमारे क्या हो रहा है, आयरन में क्या हो रहा है, ये हॉट होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन होगा जी, अब देखो एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, ये जो सिरा होगा क्या होगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो देखो एक लिमिट तक क्या होगा जी, ये बर्दाश्त करेगा, इस पे बर्दाश्त करेगा, इस पे बढ़ेगा, लेकिन जब यहाँ पे आगे हो जाएगा, खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसके बाद कनेक्शन क्या हो जाएगा, कनेक्शन क्या हो जाएगा, टूट गया, कनेक्शन टूट गया क्या हो जाएगा, तो ऑटो कट हो जाएगा, तो इसी सब लॉजिक से बनाया जाता है, देखिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन उसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करके क्या बना लीजिए, इतनी अच्छी चीज बना ली, तो यही सब चीज़ है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, मैं वही बोल रहा हूँ कि एग्जाम आप कंसेप्ट बिल्डअप करो, ठीक है, एक इन इन मैं मानता हूँ कि एक नेसेसरी है, इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ रटना पड़ेगा, इसमें मानता हूँ, लेकिन वही रटने का तरीके होने चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आज का जो पैटर्न है, आपको आज भी पता है आज का जो पैटर्न है वो एप्लीकेशन बेस्ड है जी, और एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, और पार्ट ए पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए, पार्ट बी में मैं जानता हूँ कि थोड़ा बहुत किसी ने भी पढ़ा होगा तो पार्ट बी तो ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन पार्ट ए मेरिट है, इसलिए पार्ट ए पे भी ध्यान दीजिएगा, अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि पार्ट बी को मैंने छोड़ना है जी, पार्ट बी को भी ध्यान देना है, तो ऑटो कट क्या है जी, वो प्रसार गुणांक पे जी, अगर किसी धातु की शक्ति में छेद हो तो गर्म करने पर, देखिए अब बोला है मान लीजिए कोई चक्ती मतलब होल है जी, देखिए अब इसमें क्या जी होल है, ऐसा कुछ है, ठीक है, मतलब ये एक अपवासर की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा कुछ है, ठीक है ना जी, वाशर की तरह समझ सकते हैं, अब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए हीट करेंगे तो ये भी बाहर वाला किनारा बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, अंदर वाला किनारा किधर बढ़ेगा, बाहर बढ़ेगा कि अंदर बढ़ेगा जी, बताइए, तो अंदर वाला किनारा क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा जी, जाएगा नहीं जाएगा जी, बाहर की तरफ जाएगा, तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, होल क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा जी, ठीक है, यहाँ से समझिए, ये बोल रहा है किसी धातु की चक्ती में छेद हो तो गर्म करने पर इसकी चक्ती का आकार बढ़ जाता है जी, वहीं क्या होगा, होल का आकार क्या होगा, ये होल का आकार क्या होगा, बढ़ेगा जी, इसका क्या होगा, एरिया, देखिए अभी क्या बताया था, देखिए इसका एरिया भी बढ़ेगा ना जी, इसका एरिया बढ़ेगा ना,
इसका एरिया बढ़ेगा ना, इसका एरिया बढ़ेगा ना, तो एरिया बढ़ रहा है, तो वही है क्या है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के तहत हमने क्या बोला कि उस पर क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए तो बस आज को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू।